हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करते हो आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कोई खास काम नहीं दिखाऊंगी घर का, क्योंकि सब काम हो चुका है, बहू भी पिहर गई हुई है और खाली बैठे मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो मेरी आदत है कि मैं दोपहर के वक्त में सोती नहीं हूँ, कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती हूँ जिससे मेरा मन भी लगा रहता है और वो काम भी हो जाता है। तो अभी कुछ देर पहले तो मिसेज गुप्ता आ गई थी, तो 1-1.5 घंटे वो मेरे पास बैठी रही, हम लोगों ने चाय वाय पी। तो मेरा मानना ये है कि सोने से अच्छा है कि कोई अपने शौक का काम करूं। तो बेटे की शादी थी, जब तक तो मैंने सिलाई विलाई कर ली और अब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूं। बहू भी गई हुई है, काम भी इतना नहीं है और ये भी गए हुए हैं किसी शादी में, तो सोच रही हूँ क्या करूं। तो कुछ मैंने ये जो करवे हैं ये कलर किए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। तो ये जो करवे हैं मेरी भाभियां देती हैं करवा चौथ पे, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ और इनमें मैं पौधे लगा देती हूँ। तो मैं इनमें ऐसे पौधे लगा दूंगी कटिंग करके, और कुछ करवे और भी पड़े तो उनको कलर करूंगी। और दोपहर का वक्त मेरा ऐसे ही निकल जाता है, इनमें देखिए पीछे खड्डे कर रखे हैं तो पानी ड्रेन हो जाता है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि छत पे जाके, और कुछ गमले पड़े हैं जो पड़े तो क्या, जिनमें उगे हुए हैं पौधे वगैरह तो खराब हो गए, तो उनको कलर कर लूँ। कलर भी बच गया है दिवाली का, जो पेंट किया था उसमें बाहर के फाटक वगैरह में, तो वो थोड़ा बहुत कलर बचा है। तो आपसे शेयर करूंगी वीडियो वो भी, तो मैं सोच रही हूँ वो कर लूँ तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि खाली बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए, और जब मैं अपना कोई ऐसा काम या अपना शौक पूरा कर लेती हूँ तब मेरा दिन आराम से निकलता है। तो चलिए छत पे चलते हैं। ये भी एक करवा है जिसको मैंने कलर किया था, तो ये मैंने इसको छोटी मोटी चीज़ें डाल दी हैं ड्रेसिंग टेबल की, आराम से मिल जाती हैं मुझे। और ये करवे मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, 4 करवे हैं। अब इनमें मैं कोई पौधे लगाऊंगी, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं कटिंग से लग जाते हैं वो पौधे इसमें लगा दूंगी। अंदर इनमें खड्डा किया हुआ है पानी ड्रेन होने के लिए। तो ये 4 करवे हैं रंग बिरंगे, इससे गार्डन मेरा जो टेरिस गार्डन है वो सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर दिखता है गार्डन कलरफुल चीज़ें रखने से। तो दोस्तों ये जो गमला है वो उसके रंग खराब हो गए हैं और मेरे पास रंग बचे हैं थोड़े से, ये कलर जो इधर हुआ था। तो मैं सोच रही थी ये इसमें कर देती हूँ, रोज एक गमला भी रंगूंगी तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। और ये गमला भी है जो सुंदर दिखेगा। जाना भी है शाम को पार्टी में जाना है, तो 3 तो बज चुकी हैं। ये दिनों से सोच रही थी कि इनको कलर करूंगी पर कलर था नहीं मेरे पास, ये बच गया। ऐसे मुझे कोई लाके नहीं देता कलर, अलग से कोई कलर लाके नहीं देता। ये कलर बच गया था तो उसको काम में ले लूं, पड़ा पड़ा सूख जाएगा, कितने दिन चल जाता है और बरसात में खराब भी नहीं होगा। और एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो थोड़े से बरसात में खराब हो सकते हैं, इसमें डर नहीं है खराब होने का, तो काफी दिन चल जाएगा ये कलर और हो भी जाता है फटाफट। देखिए खास टाइम भी नहीं लगा और ये हो ही गया, समझो एक गमला तो मेरा हो ही गया। धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा थोड़े कपड़ों को पलट दूं,
कुछ एक तरफ से सूख गए, एक तरफ से और सूख जाएंगे। तो आज अच्छी धूप की वजह से ही मैं छत पर चढ़ी थी, 2 दिन से धूप नहीं आ रही थी अच्छी, तो कपड़े भी नहीं धुले थे, तो कपड़े धोकर मैंने सोचा चलो पलट देते हैं थोड़े कपड़े। उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच गया, 3:15 ही बजी थी, तो फिर मैंने एक गमला और रंगने का सोचा और मैंने एक गमला और रंग दिया। तो बस कपड़े पलट कर और एक गमला मैं और रंग दूंगी। इसमें पीले पत्ते पड़ गए हैं, तो एक बार मैं पीले पत्ते हटाकर और फिर इसको कलर कर दूंगी। ये पौधा भी कटिंग से लग जाता है, तो इसकी कटिंग करके भी मैं सोचिंग करवे में लगा दूंगी। तो अब इसको भी कलर कर दूंगी मैं पीले पत्ते हटाकर। टाइम नहीं हुआ, आज शाम को जाना है हमको पार्टी में, तो अभी बहू आएगी, पियर से लेके आएगा बेटा 5 बजे तक। इतने में मैं एक और गमला रंग देती हूँ, मेरे 2 गमले पूरे हो जाएंगे, कल तक सूख जाएंगे, थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है इनको। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कलर करने का। कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे बहुत दूर से। एक गमला और मैंने रंग दिया है और एक वो गमला, ये दोनों बताइएगा कैसे लग रहे हैं गमले। थोड़ा सा बाकी रह गया, अभी पूरा कर देती हूँ इनको, थोड़ी थोड़ी जगह रह गई। तो दोस्तों ये 2 गमले आज पूरे हो गए, बहुत दिन से सोचा हुआ काम था ये मेरा, आज मुझे बहुत शांति मिल रही है और कल भी करूँगी मैं ये, खाली समय में ही काम करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको नई नई वीडियोस मिले मेरी देखने को। और कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा और नया सजेशन दीजिएगा कि मैं कौन सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो गाइस थैंक यू।